महोदय, कहा गया है कि समाजवाद की तरफ देश प्रगति कर रहा है, लेकिन रेलवे में जो हो रहा है उसे आप देख रहे हैं। हर यात्री का जो रेल में यात्रा करता है उसका जीवन सुरक्षित नहीं है, उसके माल की कोई सुरक्षा नहीं है और घटनाएं भी जिस प्रकार रोज़ होती है, लूट खसोट जिस प्रकार रेलवे में होती है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं गया। मैं समझता हूँ अब समय आ गया है कि रेलवे को इस निकम्मेपन के लिए यात्रियों पर जो असुविधा हो रही है, उनका सामान जो लूट लिया जाता है, सोते हुए उनका सामान लेकर कोई उतर जाता है, कोई सज्जन जा रहा है तो उनकी घड़ी रेलवे में ही छीन ली जाती है, तो इसके लिए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करनी चाहिए और यह व्यवस्था कर में वृद्धि करके नहीं होनी चाहिए, बल्कि सरकार रेलवे प्रशासन में कमी करे, जहां धन व्यय हो रहा है उसमें बचत करे। मैं यह नहीं कहता कि कर्मचारियों को सुख सुविधा न दी जाए, लेकिन जो साधारण देश का नागरिक है उसका भी ख्याल रखा जाए। रेलवे कर्मचारियों को जितना पैसा मिलता है उनको उससे अधिक वेतन मांगने का अधिकार नहीं है। देश में करोड़ों लोग बेकार बैठे हुए हैं, आप उनको काम दीजिए। उसी तनख्वाह पर आज नवयुवक काम करने को तैयार हैं। आज रेलवे का कर्मचारी जो मांग करता है वह पूरी हो जाती है, उसको सुख सुविधा मिले, उसकी संतानों को रेलवे में नौकरी दी जाए। परंतु मैं कहता हूँ कि भारत के करोड़ों निवासी जो रेलवे में काम नहीं करते, आखिर उनकी संतान कहाँ जाएगी, उनको नौकरी कहाँ मिलेगी। मान्यवर, दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार में वह सामर्थ्य नहीं, शक्ति नहीं, उनके मंत्रियों में क्षमता नहीं कि वे ऐसी बातों का सामना कर सकें। वे झुक जाते हैं राजनीतिक आधार पर, जय जयकार कराने के लिए, मत प्राप्त करने के लिए झुक जाते हैं। हिंदुस्तान की करोड़ों जनता को आप समाजवाद की शिक्षा देते हैं, लेकिन उनकी तकलीफ़ों की ओर कोई ध्यान नहीं देते। रेलवे में जिस तरह से आज लोग चल रहे हैं वह आप देखते हैं, बोरे की तरह वे लदे रहते हैं, लेकिन रेलवे के मंत्री और कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर वातानुकूलित गाड़ी में चलते हैं। यह बड़े शर्म की बात है कि तृतीय श्रेणी में साधारण यात्री के बैठने की जगह तक नहीं है, उसकी कोई व्यवस्था आप नहीं कर पाए। क्या यही समाजवाद का नाम है? आप समाजवाद का नाम लेकर रेल के किराए में बढ़ोतरी नहीं कर सकते, आपको इसका कोई नैतिक अधिकार नहीं है, जबकि रोज़ बरोज़ दुर्घटनाएं हो रही हैं और कर्मचारियों पर कोई रोक नहीं है। आए दिन हमारे वामपंथी नेता जो समाजवाद का नाम लेते हैं रेलवे बोर्ड की निंदा कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर